अब फाइनल ओपिनियन पोल में क्या तस्वीर बनती है हम शुरू कर रहे हैं एक खास शो अब की बार किसकी बनेगी सरकार आपका मेहमानों से हम परिचय करा दें सबसे पहले हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी स्टूडियो में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा शिवम जी स्वागत है आपका कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है अभय दुबे जी अभय जी बहुत स्वागत है आपका भी अगर जुड़ चुके हैं हमारे साथ तो स्टूडियो में नहीं है बाहर से हमारे साथ है जुड़ने जा रहे हैं साथ ही भावेश झा सी एन एक्स से जिन्होंने सर्वे किया भावेश बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ दो बड़े जानकार अनुभवी पत्रकार हैं हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं संजीव जी आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं हर्षवर्धन जी आपका बहुत स्वागत है तो मैं आपके सामने ओपिनियन पोल क्या कह रहा है मध्य प्रदेश की फाइनल पिक्चर का पहला अध्याय रखूं यानी पहला रीजन वो आपके सामने में रखूं उससे पहले आपके एक कॉन्टेक्स्ट के लिए एक पृष्ठभूमि आपको जानना जरूरी है कि 2018 में पांच साल पहले क्या नंबर आए थे किस पार्टी को कितने आ, कितनी सीटें मिली थी और और कौन मुख्यमंत्री था और 15 दिन पहले आज से यानी 19 नवंबर को हमने इससे पहले जो ओपिनियन पोल किया पहला ओपिनियन पोल उसमें क्या दिखाई दे रहा था फिर हम ये दूसरे ओपिनियन पोल की बात करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर जरा वो एक तुलना जो है वो आ जाए मध्य प्रदेश में देखिए कुल दो सीटें हैं ये देखिए दो का नतीजा जहां कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी सरकार बनी थी 114 सीटें आई थी बीजेपी को 109 सीटें मिली थी अब हमने जो ओपिनियन पोल किया आज से 15 दिन पहले तब परिस्थिति यह थी कि बीजेपी ने अपना ग्राफ 2018 से बढ़ा करके 115 तक पहुंचा लिया था यानी 230 की विधानसभा में बिल्कुल बीच में जहां पर सरकार बनती है डॉट एक पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे नहीं थी बड़ा क्लोज मार्जिन है पांच सीटें केवल पीछे कांग्रेस दिखाई दे रही थी 110 पर दिखाई दे रही थी 19 तारीख को 19 अक्टूबर को अब हम आज जब तीन तारीख को तीन नवंबर को आपसे बात कर रहे हैं तब क्या परिस्थिति आएगी वो अब आप आपके सामने में रखने जा रहा हूं शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के फाइनल ओपिनियन पोल की और शुरुआत प्रदेश के राजधानी क्षेत्र से भोपाल से भोपाल डिवीजन जो भोपाल विदिशा और राजगढ़ को मिलाकर बनता है यहां विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं भोपाल डिवीजन में दो पॉलिटिकल टाइटन की टक्कर होती है यानी दो बहुत बड़ी हस्तियां यहां पर 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राघोगढ़ के राजा कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह हैं और 18 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो भी भोपाल रीजन से आते हैं दिग्विजय सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन उनके परिवार के लोग चुनावी मैदान में उनके बेटे उनके भाई शिवराज सिंह चौहान यहीं की बुधनी विधानसभा सीट से एक बार फिर चुनाव में उतरे हुए हैं अब ये जो चौबीस सीटें हैं इनका सर्वे जो है वो क्या बता रहा है आपके सामने मैं रख रहा हूं अब भोपाल क्षेत्र का सर्वे 24 सीटों का इंडिया टीवी का फाइनल ओपिनियन पोल एम्पी का बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 24 में से 16 सीटें निकाल सकती है ये 2018 से एक सीट ज्यादा है कांग्रेस पार्टी आठ सीटें जीतती हुई दिखा रही है दिख रही है यह एक सीट का नुकसान होगा यानी पर भारतीय जनता पार्टी पहले भी मजबूत थी आज भी मजबूत है बल्कि अपना ग्राफ थोड़ा सा और उठा रही है एक सीट से बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है 2018 की तुलना में तो भोपाल रीजन भोपाल क्षेत्र जो है वो बीजेपी के साथ जाता हुआ हमारे इस फाइनल ओपिनियन पोल में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी बढ़त में दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन पर ऊपर जो है नंबर भर, भरते रहेंगे और बढ़ते भी रहेंगे जैसे जैसे हम एक एक क्षेत्र की बात करेंगे 24 सीटों को ओपिनियन पोल बीजेपी 16 पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी आठ सीटें सीटे जीतती हुई दिखाई दे रही है शुरुआत अच्छी की है ओपिनियन पोल के हिसाब से आपकी पार्टी ने शिवन जी देखिए सौरभ जी शुरुआत ही अच्छी नहीं है अंत भी अच्छा होगा और जब हम सही एक महीने बाद यहां पर बैठे होंगे और बात कर रहे होंगे तो जाहिर है हम सरकार बना चुके होंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बनाएंगे मैं बिल्कुल इन आंकड़ों से इतर नहीं हूं लेकिन इतना है कि हम इस टैली को और अभी इंक्रीज करेंगे जिस तरीके से हमारा कैंपेन चल रहा है जिस तरीके से तमाम चीजें हुई हैं जिस तरीके से डेढ़ साल में करप्शन नाथ की सरकार रही और घोटाले पर घोटाले पर घोटाले किए जिस तरीके से हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है जिस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं आने वाले समय में आप देखेंगे कि टेली भी इंप्रूव होगा और कहीं ना कहीं रही बात कांग्रेस की तो आजकल चाहे वो आपका चैनल हो और चाहे उनका चुनाव में आना हमेशा ऐसे ही देर में ही आते हैं वो बाद में ही आते हैं देखिए अभी भी आए नहीं है अभी आपके प्रतिद्वंदी आएंगे देखिएगा फिर क्या जब तक आएंगे जीत जाएंगे पूछते भी और जवाब भी देते हैं पहले भोपाल के जरा समझ ले भोपाल क्या है भोपाल के रीजन जो है क्या कहलाता है यहाँ कौन कौन सी सीटें खास तौर पर हमने बताया दिग्विजय सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों यहीं से आते हैं और क्या खासियत है भोपाल की देखिए भोपाल की आप पूरे रीजन की आप ओवरऑल यदि एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे यहाँ पे बीजेपी हमेशा से स्ट्रांग रही है पिछली बार भी जब बीजेपी हारी थी तो पंद्रह सीटें जीत के आई थी तो बीजेपी एक स्ट्रांग वहाँ पे रहती है और बीजेपी को वहाँ पे हराना लगभग मुझे आपने देखा दो दिग्विजय सिंह खुद भी लोकसभा में दिग्विजय सिंह खुद भी कंटेस्ट गए थे लेकिन हार गए थे लोकसभा चुनाव में धीरे धीरे देखेंगे जैसे जैसे ये क्लैरिफाई होता जाए कि बीजेपी एक कॉन्टेस्ट में दो महीना पहले जब बीजेपी वहाँ पर कॉन्टेस्ट में नहीं थी तो भोपाल रीजन में भी ये दिखने लगा था

चंबल में कुल मिलाकर के 34 सीटें आती हैं यहाँ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर के राजा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंह एक बड़ी हस्ती हैं जो चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं खुद लेकिन उनका बहुत प्रभाव है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वो एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं वो भी चंबल से आते हैं इनके अलावा कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता जो है डॉक्टर गोविंद सिंह वो भी चंबल से ही आते हैं तो बहुत सारे दिग्गज जो है वो चंबल रीजन में है मध्य प्रदेश का चंबल कभी डाकुओं के लिए बदनाम रहा और चंबल अब मध्य प्रदेश की राजनीति का एक किस्म का गढ़ सा बनता जा रहा है 2018 में यहां 34 सीटों में से 26 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी यानी चंबल क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक तरफा कांग्रेस पार्टी ने जीता था आज क्या कहती है चौतीस सीटें आपके सामने मैं रख रह रहा हूं चंबल का ओपिनियन पोल भी एमपी के फाइनल ओपिनियन पोल में चंबल की चौतीस सीटों की बात यहाँ भारतीय जनता पार्टी पंद्रह सीटें जीत सकती है और ये दो से आठ सीटें ज़्यादा है यानी चंबल में बीजेपी अपनी स्थिति को बहुत खराब जो स्थिति थी उसको काफ़ी बेहतर कर रही है कांग्रेस पार्टी 19 सीटें जीत सकती है ये 2018 के की तुलना में सात सीटों का नुकसान होगा अन्य जो है यहाँ इस बार मैदान में हमें नहीं दिखाई दे रहा है कॉन्टेस्ट में एक सीट का नुकसान यानी एक सीट पिछली बार अन्य के खाते में यहाँ गई थी वो इस बार नहीं है प्ले में लेकिन कॉन्टेस्ट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगभग बराबरी का दिखाई दे रहा है और ये जो है एक बड़ी बात होगी चंबल में भारतीय जनता पार्टी का एक किस्म का कम जो है वो आप देख रहे हैं तो ये चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो कौन सा फैक्टर काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए चंबल में जो माना जा रहा था कि वहां पर अंदरूनी लड़ाई भी बहुत है लेकिन ये चुनाव में जाते जाते उतरते उतरते बीजेपी ने क्या वहां पर काम किया है कि परिस्थिति आपको ये दिखाई दे रही है हर्षवर्धन जी देखिए सौरभ जी जब लो, हम लोग पिछले इसी ओपिनियन पोल पर बात कर रहे थे तो बहुत एक जिसको कहें कि थोड़ा सा मैंने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक जीवन का यह सबसे कठिन समय है, सबसे मुश्किल समय है वो खुद को साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उससे तय होगा कि ग्वालियर के इस महाराज घराने से आने वाले नेता का अब क्या भविष्य होने जा रहा है मुझे जो जानकारी मिली और जो अब दिख भी रहा है उस वक्त भी मैंने कहा था कि वो शिवपुरी से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं बहुत एकदम पक्के तौर पर उन्होंने कह दिया लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी अमित शाह को एक भरोसा दिलाया है उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं बाईस विधायक लेकर आया था जो सरकार बनी मध्य प्रदेश में इस बार मुझे लेकर आने की जरूरत नहीं मैं जिता कर लाऊंगा और बड़ी असहज स्थिति हो गई थी उनके बहुत नजदीकी मुन्ना लाल जैसे जो लोग जो उनके बहुत नजदीकी थे उनके समर्थक आके गाड़ी के सामने लेट गए बड़ा हल्ला हंगामा हुआ लगा कि जैसे ग्वालियर चंबल पूरी तरह से खत्म हो गया लेकिन सिंधिया ने जिस तरह से जमीन पर जाकर मेहनत की और सबसे ज्यादा कठिन था उनके लिए क्योंकि कांग्रेस से आए थे भाजपा में भी उनको एक तरह से कहें कि प्रतिरोध झेलना पड़ रहा था और कांग्रेस से भी प्रतिरोध झेलना पड़ रहा था ऐसे में मुझे लगता है कि उन्होंने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपके इस ओपिनियन पोल में दिख रहा है और अगर ये दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है क्योंकि ग्वालियर चंबल सबसे ज्यादा चिंता की बात भाजपा के लिए अच्छा अभय दुबे जी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से बीजेपी से हमारे साथ शिवम त्यागी है वो अभी पूछ रहे थे हमारे कांग्रेस के साथ ही कहा रह बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका अभी तक जो सर्वे दिखा रहा है मैं आपको बता देता हूं देखिए जनता की तालियां आपके लिए है कुल हमने ओवरऑल अट्ठावन सीटों की बात की है भोपाल क्षेत्र की और चंबल की इन अट्ठावन सीटों में से इकतीस पर भाजपा दिखाई दे रही है हमको आगे आप बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे हैं 27 सीटों पर भोपाल में 2018 में बीजेपी ने अच्छा किया था इस बार एक सीट बढ़ती दिख रही है चंबल में आप आज भी आगे हैं 18 में भी आप आगे थे लेकिन बीजेपी ने अपनी बहुत खराब परिस्थिति और 2018 वाली उसको बेहतर किया है यह सर्वे दिखा रहा है हाँ, सौरभ जी आपके चैनल में भाजपा की बढ़त गुलाबी है मगर आपका सर्वे फर्जी है या आंकड़े किताबी है आइए तो सही मध्य प्रदेश की जनता के पास एक बार पूछिए उनसे भारतीय जनता पार्टी का मिजाज 150 प्लस सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है नोट करके रखिएगा आज के टेलीविजन शो को आप अगर मध्य प्रदेश की जनता का मिजाज भाप नहीं पाए तो उसका प्रतिकूल प्रभाव आप पर और आपके चैनल पर भी पड़ेगा इतना व्यापक रूप से नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश में है क्या क्या नहीं हुआ मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में बच्चों का पोषण आहार मामा जी की सरकार ने खा दिया मध्य प्रदेश में जानवरों को खाने वाला अनाज आदिवासियों को बांटा गया भाजपा के नेता ने आदिवासी भाई के ऊपर पिशाब करके उसका वीडियो वायरल कर दिया भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने अनूपपुर के मंडल अध्यक्ष ने मृत आदिवासी के सामने उसके भाई को चप्पलों से बर्बरता से पीटा भगवान शंकर के महांकाल लोक में भीषणतम भ्रष्टाचार किया और तो और विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा वो जीएसडीपी घोटाला अर्थात मध्य प्रदेश की विकास दर तक में घोटाला करके ढाई लाख करोड़ रुपए अधिक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बता दिया इन्होंने हमने उसको पेपर पर प्रूफ कर दिया किस आधार पर ये बात करते हैं बढ़त की अरे बढ़त तो दूर इनकी परिस्थितियां इतनी बदतर हो गई कि बीस पच्चीस साल तक इनको कोई मध्य प्रदेश में पूछने वाला नहीं मिलेगा क्यों प्रधानमंत्री जी ने अपना कैंपेन ड्रॉप किया एमपी के मन में मोदी क्योंकि वो भी कुछ एक सप्ताह में समझ गए कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ पिछली रैली में ना उन्होंने शिवराज जी का नाम लिया ना उनके काम का जिक्र किया क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते फिर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं अब शिवराज चेहरा नहीं है उस तो बात होगी ना कि अंदर खाने में ये भी जान गए हैं कि जो 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मध्य प्रदेश में उसके परिणाम उनको भुगतने जी। जी, जी, और है कैसे की जोड़ी से हुई, हुई जो साम्राज्य है इसको अभय देखिए आप मेरे मेहमान हैं आप देर से भी जुड़े और आप अपना ओपनिंग कमेंट दे रहे थे मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाहता था आपने लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किए मुझे उस पर एतराज है और मैं उसका उत्तर आपको देना चाहता हूं चुनाव अभे दुबे जी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है इंडिया टीवी और सीएनएक्स नहीं लड़ रहा है तो हम पर प्रतिकूल असर पड़ेगा पहले तो मैं इससे इतफाक नहीं रखता आपने कहा सर्वे फर्जी है या किताबी है मैं तो नहीं कहता कांग्रेस पार्टी झूठी है मैं कह सकता हूं लेकिन मैं कह नहीं रहा हूं आपने ये इस शब्द इस्तेमाल किए मुझे ऐतराज है इस पर सर्वे किया गया है जमीन पर उतर करके सर्वे करने वालों ने ईमानदारी से काम किया एक मिनट अभे जी आपने कहा मैंने सुना मैं कह रहा हूं आप सुनिए सर्वे गलत साबित होगा तो हो जाएगा मैं आप सुने सर मैं इस मैं इस सर्वे में मैं ये बात करते हुए भाई दुबे जी ये नहीं कह रहा हूं आप नेताओं की तरीके से जो मैं कह रहा हूं वही शाश्वत और अटल सत्य है मैं ये दावा नहीं करता ये दावा आप लोग नेता है आप लोग करते हैं लेकिन किसी की मेहनत को फर्जी और किताबी कहना मुझे नहीं लगता कि आप जैसे सीजन प्रवक्ता को और नेता को शोभा देता है कही अपनी बात नहीं इसमें एक बात और जो बिल्कुल कहूंगा क्योंकि जमीन नहीं देखी जिसने भी सर्वे किया मैं इंडिया टीवी इंडिया टेलीविजन चैनल सर्वे एजेंसी नहीं है लेकिन आपके लिए जिसने भी सर्वे किया वो भी यहाँ तो पर मेरे मेहमान है आपके सामने आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं पूछ मैं, एक, मैं एक लेकिन से लेकिन आप दे तो मैं आप दे दो दो तो आप जब कह रहे हैं सर्वे फर्जी है तो मैंने मेरे लिए जिसने सर्वे किया मैं तो उसके लिए खड़ा हूंगा ना मैं दुबे जी मैं बता रहा हूँ वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर सर नहीं गलत बात है ये गलत बात है जवाब जवाब दे सकते हैं आप दीजिए जमीन जमीन पर अबे जी, अबे जी। पर तो जी जी जी, जी आए होते रुक जाइए एक मिनट में बताता हूं मैं एक मिनट ग्वालियर चंबल ग्वालियर चंबल रीजन की बात कर रहे हैं ना दो सारे लोकल बॉडी के इलेक्शन अभी हार गए मेयर के दोनों गुना ग्वालियर के हार गए महाराज महाराज की स्थिति वहां बहुत बुरी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल संभाग से सबसे बड़ी बलात मिलेगी ये लिख कर रख लिया और महाराज की बात बता दू एक मिनट में सौरभ जी महाराज इसलिए शिवपुरी से नहीं उतरे कि वहां हमने केपी सिंह जी को टिकट दे दिया पिछोर से हटा कर दिया नहीं तो वहां से लड़ाने की तैयारी थी वहां महाराज अबे तो दुबे जी लड़ा... आप ये सारी बातें कहिए आपको कौन रोक रहा है? हमने तो इसलिए आपको आमंत्रित किया प्रोग्राम में लेकिन आप कह रहे हैं फर्जी और किताबी अर आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यालय में बैठकर जिसने जो जमीन पर गया उसने सर्वे छाप दिया है इस पर मुझे आपत्ति है आप अपना तर्क दीजिए आप सर्वे को गलत कहिए कोई आपको नहीं रोकता है लेकिन आप आप आपकी जिन्होंने सर्वे किया उसके ऊपर आप सीधा आक्षेप कर रहे हैं आपकी आपत्ति दर्ज कराइए तीन दिसंबर को मैंने जो बात कही है बहु सही ना हो तो आप मुझे कहिएगा देखिए यही है। फर्क है मैं, मैं, मैं जवाब दे दूं इनको मैंने जो लिख दिया वही सच है आप नेता हैं आप दावा कीजिए आप चुनाव में क्योंकि अब जरा जिन्होंने सर्वे किया उनकी बात सुन ली मैं अभय जी को याद दिलाना चाहता हूं अभी कर्नाटका का चुनाव हुआ था अकेला मैं सबसे पहले था जिसने बताया था कि कर्नाटका में कांग्रेस बड़ी अच्छी पोजीशन से जीत के आ हो क्लीन क्लीनशिप कोई भी सर्वे एजेंसी ने कोई भी चैनल ने यह प्रिडिक्ट नहीं किया था कि कर्नाटका में कांग्रेस वहां पे लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके आ रही तब तो आप बहुत तारीफ करें तब क्या हो गया तब तब क्या मैंने एक सेकंड तब क्या मैंने कांग्रेस पार्टी के अरे एक सेकंड सुनिए तब क्या नहीं मैंने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के बनाया था आप जवाब दीजिए ना मैंने देखा आपका सर्वे बिल्कुल आप थे बिल्कुल आपके आप आपके प्रवक्ता थे आप सिर्फ अपना इंडिविजुअल आपके अपना इंडिविजुअल बयान दे रहे क्या यहाँ पे नहीं 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 अब एक मिनट सुन लीजिए महोदय मेरी बात उस समय का भी इंडिया न्यूज चैनल में अगर आपने सर्वे किया हो और बैठे हो तो मैंने उस समय भी कहा था कि आपका आंकलन ठीक नहीं है हम 135 140 सीटें कर्नाटका में जीत के आ रहे हैं कई बार आपके चैनल ने जो ओपिनियन पोल बताया उसमें कांग्रेस पार्टी को नेक टू नेक बताया तब भी मैंने ये बात पहली तो बात तो पहली तो बात तो ये मैं इकलौता था जिसने सबसे पहले बताया था कि कांग्रेस वहां पर मेजोरिटी से आ रही है तो ये आप गलत बयानी मत कीजिए ठीक है पहली बात तो ये ये करेक्ट कीजिए दूसरी बात में इंडिया न्यूज के लिए इंडिया टीवी के

आप माफी बिल्कुल माफी अरे सुनिए महाराज आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए बिल्कुल मांगूंगा फर्जी फर्जी सर्वे किया था पहली फिर आप देखिए अभी आप बार बार इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे नहीं आपको कितना टूकू मैं इस बात पर आज आप आमादा हैं कि आप सोच करके आए कि मैं यही कहूंगा पता नहीं आपको सर्वे का नतीजा किसने बता दिया इसी सर्वे में अगर आपकी सरकार बनती हुई दिखाई दी जाएगी तो क्या कहेंगे फर्जी कहेंगे तब भी नहीं सर्वे देखिए ये ये सर्वे आप ग्वालियर चंबल रीजन का बता रहे हैं उस पर मेरी प्रतिक्रिया है गंभीर प्रतिक्रिया है क्योंकि जमीन देखी है मैंने मैंने पिछले छह आठ महीने में मध्य प्रदेश का चप्पा चप्पा घुमा है अभी भी अभी थे थे। हम 230 विधानसभा अगले पंद्रह दिन में कवर करने वाले हैं बड़े नेता हमारे शीर्षस्थ नेता महाजनसंपर्क अभियान हमने कॉल किया है, है। साठ स्थानों पर दिग्विजय सिंह जी सत्तर स्थानों पर कमलनाथ जी इक्कीस स्थानों पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी राहुल गांधी प्रियंका जी की बड़ी व्यापक स्तर पर रैलियां हैं हमारी है। तो हम 230 विधानसभा तक पहुंचेंगे और उसके पहले एक चक्कर सारी विधानसभाओं का मैं लगा चुका हूँ इसलिए मुझे प्रत्येक क्षेत्र के संदर्भित विषय पर पता है की वहां की जमीनी हकीकत क्या है आप ठीक है अभी दुबे जी आप ही को सारी हकीकत मानू मैं तो ये कहना चाहिए हमको अभी

उनका अधिकार है जो भावेश कह रहा है वो उसका मतलब मुझे दोनों की बातें समझ में आ रही हैं क्योंकि एक लंबे समय तक मीडिया का एक रुख रहा है जिसपे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आपत्ति रही है और उसी की वजह से और और वो राजनीति का जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ है और उसकी कुछ प्रतिबिंब मीडिया में भी दिखाया उसका असर है कि अब हर बहस ही पोलराइज हो गई है लेकिन कुल मिला मेरे जो आपने दो रीजन्स बताए हैं मैं भोपाल के सर्वे पे थोड़ा बहुत सहमत हो सकता हूँ वो शहरी इलाका है पुराना बीजेपी का एरिया है लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स चंबल से आ रही हैं वहां पे और जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि ज्योतिरादित्य बहुत डिफेंसिव पे हैं और काफ़ी परेशानी में फंसे हुए हैं उस तरह से उस रीजन में अगर बीजेपी अपनी दो के मुकाबले स्थिति को बेहतर कर रही है जी तो वो काफ़ी अचंभे की बात है और बीजेपी के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ग्राउंड मेकअप करेगी वहां पे, क्योंकि वहां पे बड़ा रिएक्शन है जो कांग्रेस से लोग गए थे आ, पार्टी छोड़ के ज्योतिरादित्य के साथ उनके खिलाफ एक रिएक्शन प्रतिक्रिया है वहां पे जमीन पे एक इवन ज्योतिरादित्य के लिए बहुत दिक्कतें चल रही हैं पिछले कुछ समय से जी और वो किस तरह से फाइट बैक करते हैं और एक जो ओवरऑल तस्वीर निकल के आ रही है एम से वो Uh, मैं हमेशा हर बार कहता रहता हूं कि बीजेपी का गढ़ रहा है गुजरात से पहले जनसंघ का गढ़ एमपी रहा है और वहां पे उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं लेकिन जो हम सुनते हैं यहां बैठ के उसमें लगातार ये बात आती है कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है इस बार और सर। उसका खामियाजा बीजेपी को शायद चलिए अभी तो हम क्योंकि जो जो सर्वे जितना दिखाया उसी पर बात कर रहे हैं तो ब्रेक लेना पड़ेगा उससे पहले शिवम का एक रिएक्शन चंबल पर हैरानी जता रहे हैं और एतराज जता रहे हैं कि यह नंबर कैसे दिखाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी और संजीव जी देखिए मैं तो आपसे और जो जिन्होंने सर्वे किया उन दोनों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं आप आते ही बिल्कुल अभे दुबे जी पर इस तरीके से लेकर चढ़ गए सर्वे उनको अच्छा नहीं लगना था नेचुरल बात है भाई वो आप उनके फेवर में आंकड़े भी नहीं दे रहे हैं और आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपकी तारीफ भी कर दें कुछ चीजें उन्होंने कही कि बहुत कुछ हुआ है ग्राउंड पे उसकी छोटी सी एक झलक मैं आपको देता हूं जब ये सरकार छोड़कर गए थे उस प्रदेश की आर्थिक विकास दर पॉइंट थी आज 16 परसेंट है खादान एक लाख मीट्रिक टन था आज छह लाख मीट्रिक टन है फसल ऋण पंद्रह परसेंट ब्याज पर देते थे आज जीरो प्रतिशत है औद्योगिक विकास अब चौबीस प्रतिशत है प्रति व्यक्ति आई ये बारह हजार पर छोड़कर गए थे अब एक लाख चालीस हजार है बजट तेईस हजार करोड़ था अब तीन लाख चौदह करोड़ है और इसके अलावा अगर मैं बिजली क्षमता की बात करूं तो पांच मेगावाट थी उनतीस वॉट है सिंचाई क्षमता सात लाख अड़सठ थी अब सैंतालीस हेक्टेयर है ये कहते हैं कि हुआ नहीं कुछ भी अब इन्होंने करप्शन पर और बात कही थी करप्शन तो हुआ है सर हमने भोपाल में कई जगह पोस्टर्स लगाए हैं और उसमें क्यूआर कोड भी लगाया है जैसे ही आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं हैं तो की तरह इनके डेढ़ साल के घोटाले निकल कर आ जाते ठीक है थोड़े से मैं आपको बता हूं सेकंड और दे दीजिए तिरसठ करोड़ रुपए का मोबाइल घोटाला पच्चीस करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफी घोटाला चौबीस करोड़ का हेलीकॉप्टर घोटाला एक करोड़ का गेहूं बोनस घोटाला और यह तो सिर्फ डेढ़ साल में कर लिया इन्होंने अगर इनको चार पांच साल सरकार दे दो चलाने के लिए तो क्या हाल ही है जवाब आया आगा है। आगा इसी वागा वागा है से साल चंबल की बात की है इसके बाद महाकौशल क्या कह रहा है बड़ा इलाका है महाकौशल और यहाँ बीजेपी के दिग्गज भी हैं कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े दिग्गज में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वो भी यहीं से आते हैं महाकौशल का सर्वे आपके सामने रखेंगे आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सी का ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश का और ये फाइनल ओपिनियन पोल है क्योंकि आप तो सीधे फिर वोट पढ़ने जा रहे हैं अब हमने अभी तक बात की है भोपाल की हमने बात की है इसके अलावा चंबल क्षेत्र की और जितना सर्वे आपको दिखाया आपकी स्क्रीन पर आगे चल रहा है इकतीस पर जीत सकती है जितनी सीटें हमने बताई सर्वे की भाजपा सत्ताईस सीटों पर कांग्रेस पार्टी अब मैं आपके सामने एक बड़ा क्षेत्र महाकौशल रखने जा रहा हूं वहां कौशल से कमलनाथ भी आते हैं और यहीं से माना जा रहा है अगर बीजेपी जीतती है तो सीएम फेस उनका हो सकते हैं प्रहलाद पटेल वो भी आते हैं जबलपुर छिंदवाड़ा मंडला बालाघाट नर्मदापुरम ये इलाके सब मिलाकर के बनते हैं महाकौशल और इन सैंतालीस सीटों में क्या बता रहा है ओपिनियन पोल उसका नतीजा मैं आपकी स्क्रीन पर अब रख रहा हूं उसके बाद अब मेहमानों के पास चलेंगे आपकी स्क्रीन पर इन सैंतालीस सीटों का सर्वे आने जा रहा है उसके साथ ऊपर की टैली में सैतालीस सीटें जुड़ जाएंगी अभी आप देखिए हमारे मुताबिक इस क्षेत्र में महाकौशल में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बीजेपी से आगे है 26 सीटें छब्बीस में से कांग्रेस पार्टी जीत सकती है 19 पर भारतीय जनता पार्टी ठहरती हुई हमको दिखाई दे रही है अन्य के खाते में दो सीटें जा सकती हैं यह ओपिनियन पोल का नतीजा आपको दिखाई दे रहा है और बीजेपी का ग्राफ 2018 हजार अट्ठारह की तुलना में और नीचे आया है बीस सीटों से घटकर उन्नीस पर बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस छब्बीस की छब्बीस पर है अन्य में एक सीट ऐड होती हुई दिखाई दे रही है यानी जहां पर जिस रीजन में कमलनाथ खड़े हैं वो पूरा क्षेत्र मजबूती से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हुआ है यह सर्वे बता रहा है 105 सीटों का सर्वे आ चुका है, है।, है। महाकौशल के मैं चाहूंगा इस पर प्रतिक्रिया अभय दुबे जी की अभय जी हाँ सौरभ जी जो हम लोगों का मूल्यांकन है उसमें आठ से नौ सीटें इस महाकौशल के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को मात्र मिलने जा रही है स्वाभाविक रूप से महाकोशल से ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री जी होंगे कमलनाथ अभी शिवम जी वैसे तो दूसरे प्रवक्ताओं से अलग है थोड़ा अध्ययन करके आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जब वो कहते हैं कि 18 सालों में बहुत तरक्की की पर कैपिटा इनकम डेढ़ लाख रुपए हो गई तो साहब मोदी जी फिर ये क्यों बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग मध्य प्रदेश में थर्टी सिक्स पॉइंट थर्टी सेवन विश्व का सबसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला जिला अलीराजपुर पूरे विश्व का ये मैं नहीं कह रहा हूं ये मोदी जी की रिपोर्ट नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है सेवेंटी वन परसेंट आप झाबुआ जा, देखिए 68.86 परसेंट बड़वानी 61 परसेंट तो सारे आदिवासी क्षेत्र विश्व के सबसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले क्यों ऐसा है कि बयासी लाख परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे के गैस के सिलेंडर दिए जिसमें से 44 लाख ने तो एक भी नहीं भरवाया उस, उस उन गैस सिलेंडर ये हुआ इसलिए क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि बच्चों का पोषण सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश में उनके पोषण आहार को बताया कि जिन ट्रकों से लेना बताया कैग ने पाया कि वो स्कूटी और मोटरसाइकिल के नंबर है आप कल्पना तो कीजिए जो बच्चों के पोषण आहार को खा जाए वो सरकार कितनी निकृष्ट और नीचे गिरी हुई जवाब शिवम त्यागी आपको देंगे साथ ही जो सर्वे बता रहा है कमलनाथ को नहीं घेर पा रहे हैं आप शिव देखिए सबसे पहले तो बात यह की महाकौशल की जहां तक बात है पिछले तीन महीने में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां पर रहे लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी वहां पर तीन बार गए इसके अलावा अगर हम लाडली योजना की शुरुआत की बात करें तो वो भी शिवराज जी ने वहीं से शुरू की अब आते हैं कि इन्होंने कहा कि डेटा तो थोड़ा सा ऐसा है मैं एक चीज कहना चाहता हूं हम उस आधार पर वोट मांग रहे हैं कि हमने 20 साल में क्या किया आप अपने डेढ़ साल का बताते क्यों नहीं है और मैं डेटा में गलत नहीं हो सकता मैं फिर आपसे अभय जी कहना चाहता हूं हां मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं परेशानियां रही लेकिन उस परेशानी का जो आधार है उसकी जो दिक्कतें हैं वो सब आप ही की देन है आप अगर डेढ़ साल में ही लाखों करोड़ का घोटाला कर ले जाएंगे तो सोचिए आने वाले समय में अगर आपको जनता मौका जो कि नहीं देगी अगर दे देती तो क्या हाल होता अब एक और चीज पर आते हैं बड़ा विषय प्रैक्टिकल है आपने शुरुआत में एक चीज कही थी कि जनता किसके बातों पर किसकी वादों पर विश्वास करेगा जी एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ राहुल जी अब यही जनता पूछ लेता हूं मैं ही पूछ लेता हूं बताइए किस पर विश्वास करेगी देश किस पर विश्वास करेगा जोर से बोलिए को सुनने में दिक्कत है थोड़ी दोनों दोनों आवाजें आ रही मुझे से, नहीं, गांधी गांधी आवाज भी आ रही है मोदी जी की आवाज भी आ रही मैं वही कहता हूं राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी के सामने कहीं खड़े ही नहीं होते ठीक 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 नारे नहीं नारे नहीं दोनों दोनों आवाज आई देखिए ना मोदी जी का नाम सुनते ही तो लोग नारे ही लगाना शुरू कर देते हैं ये ये है उनका करिश्मा और जहां तक बात है कमलनाथ जी की इन्होंने जय वीरू वाली बात और कही थी शुरुआत में जय जय वीरू इन्होंने कहा दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को आपको पता है अभी क्या हुआ जैसे ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जय के जो लोग हैं वो वीरू के घर के सामने अभी तंबू गाड़ के बैठ गए थे लाठियां और लेकर गए थे वो तो शुक्र है कहीं कमलनाथ जी आसपास दिखाई नहीं दिए वरना लड़ाई हो जाने वाली थी मैं एक चीज साफ करना चाहता हूं विषय बहुत साफ है इनकी इन फाइटिंग से लेकर तमाम सारे इश्यूज है भारतीय जनता पार्टी के पास बीस साल का ट्रैक रिकॉर्ड है हम उसी पर चुनाव में है अपने डेटा पर चुनाव में है अभी बैठे तो हुए हैं पिछले डेढ़ साल का हिसाब दिया क्या एक बार भी भी इन्होंने साल तो ये भी रहे ना अच्छा चलिए ठीक है आपने नहीं बताने के लिए आपने पूछा कि भाई किसकी बातों पर भरोसा करेंगे मोदी जी की राहुल गांधी जी की यह सवाल था जो हमारे सर्वे के अंदर उसका नतीजा हम सामने रख देते हैं किसकी गारंटी पर भरोसा कर रही है मध्य प्रदेश की जनता ये सवाल था उसका नतीजा आपके सामने वैसे तो देखिए जो चुनाव में आएगा वो होगा फाइनल परिणाम लेकिन सर्वे में जो दिखाई दे रहा है वो मैं आपको दिखाई दे रहा रहा हूं हूं। आपके सामने रख स्पष्ट भरोसा करेंगे कि कर नाम लिया और जिनकी राय नहीं है वो तीन परसेंट लोग हैं यहां सैतालीस और इकतालीस का अंतर जो है वो दिखाई दे रहा है अब चूंकि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक हिमाचल के बाद जो है सिर्फ गारंटी में बात करती है कि हम जो कह रहे हैं वो होगा राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी हस्ताक्षर जो पहला होगा उसमें हमारी गारंटी पूरी हो जाएगी जनता ने सर्वे में बताया कि अभी मोदी की बात पर उनको भरोसा है कांग्रेस पार्टी यहां भी बहुत पीछे तो नहीं है लेकिन बीजेपी आगे दिखाई दे रही है हर्षवर्धन जी आजकल तो गारंटी की बात होती है सब जगह नहीं देखिए गारंटी तो अच्छा है कि नेता लोग दें क्योंकि इनकी गारंटी पर भरोसा नेताओं की देश में कम हुआ इसीलिए शायद देश ने मिलीजुली सरकारें बनानी शुरू की क्योंकि उनको लगता था कि एक कोई नेता ऐसा है ही नहीं जिसकी गारंटी तो ये लोग मिलकर गारंटी देने लगे अब फिर से बेहतर हुआ कि देश ने पूर्ण बहुमत की सरकारें बनानी शुरू की और अच्छा है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है मतलब जनता को लगता है कि ये ठीक लगा तो इसको बनाया नहीं उठा के फेंक दिया जैसे हम जिस राज्य में हैं उत्तर प्रदेश में जब मायावती जी को दिया तो पूर्ण बहुमत दे दिया 2007 में फिर 12 में अखिलेश जी को दे दिया फिर 17 में फिर से भाजपा को दे दिया और 22 में फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बन गए ऐसे ही देश के अलग अलग राज्यों में हुआ लेकिन अभी जो राज्य चुनाव में है वहां भी जनता गारंटी पर यकीन नहीं कर पाती है। बार बार पलट देती है सरकार लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जहां शिवराज सिंह चौहान की गारंटी पर लगातार यकीन किया और वो यकीन इतना बड़ा था कि 2003 में पहली बार जब हुआ भारतीय दिग्विजय सिंह को हटाकर मुख्यमंत्री बनी तो लगातार बनती रही और 2018 में जब सरकार गई भाजपा की तब भी सिर्फ नौ सीटों का मैं वही कहने वाला था तो थारा में तो, नहीं किया मैं इसीलिए कह रहा हूं मूल जो बात है कि गारंटी पर वो यकीन करती है लेकिन अगर गारंटी से जरा दाए बाएं हुए तो जनता का भरोसा हटने में कोई देरी नहीं लगती है अब सवाल यह है कि किस नेता की गारंटी पर करें ट्रैक रिकॉर्ड देखती है जनता और शायद यही वजह है कि जो आज बार बार कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी क्यों जाती है भाई जिसके पास बढ़िया बल्लेबाज होगा बढ़िया ट्रंप कार्ड होगा उसी को आगे करेगा मेरे लिए तो ये बड़ा जिसको कहें कि न समझ में आना वो है कि क्या कांग्रेस पार्टी कोई भी एक ऐसा नेता नहीं, नहीं जिसके नाम पर देश भर में जाए ये प्रश्न अभय दुबे जी से पूछा जा रहा है अभय से हम लोग अभय जी से बात करेंगे और अब दो में गारंटी की बात चलिए तो दो में जो बातें कहकर बातें कर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे समय कम मिला सरकार पलट गई लेकिन उस दौरान कितनी गारंटियां पूरी कर पाए जी से उत्तर लेंगे दो सवालों का जवाब और रख फिर मैं आता हूं आपके पास देखिए इसके बाद सवाल यह भी था कि उम्मीदवार जो है किस पार्टी के उम्मीदवार जो जो है बेहतर नजर आ रहे हैं पर किस सारी परिस्थितियां देख करके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेहतर किस पार्टी का लग रहा है उसका नतीजा भी आपके सामने हम रख देते हैं ये सर्वे हुआ है तो टिकट बढ़ चुके हैं दोनों जनता को मालूम है कि कौन उम्मीदवार किस पार्टी से है उनचास का मानना है बीजेपी का उम्मीदवार बीजेपी का टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैंडिडेट सिलेक्शन वो अच्छा लग रहा है 40 परसेंट ने कांग्रेस का 7 परसेंट ने अन्य के बारे में कहा कह नहीं सकते 4 परसेंट ने कहा ये आपके सामने है मैं अगला सवाल जो है वो भी आप सामने रख देता हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी का प्रमुख मुद्दा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे ओबीसी कितने हैं प्रदेश के अंदर किस ये पता होना चाहिए हमको तो सरकार बनेगी तो हम उसकी गिनती कराएंगे ये मुद्दा वाकई एक जनता के दिल का मुद्दा है या चुनावी मुद्दा उनको लगता है ये जनता से सवाल हुआ तो इस पर आप देखिए यह मुद्दा सही है होना चाहिए बयालीस परसेंट चुनावी वादे लग रहे हैं ये सैंतालीस ये परसेंट कह रहे हैं ग्यारह परसेंट कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते हैं जी के पास जाऊं उससे पहले दो ये दो तीन प्रश्न जो हमने पूछे हैं इस पर आ, संजीव श्रीवास्तव जी का क्या कहना है वो हम लोग जान लेते हैं संजीव जी सवाल था उम्मीदवार बेहतर किसका किसकी गारंटी पर ज्यादा भरोसा है और ओबीसी सर्वे चुनावी बात है या लोगों के बीच का मुद्दा है देखिए एक बात तो हम काफी क्लियरली देख रहे हैं सर्वे में चाहे वो मोदी वर्सेस राहुल गांधी की बात थी कि, कि किसकी गारंटी पर भरोसा है चाहे चुनावी मुद्दे चाहे कैंडिडेट सिलेक्शन कि आप पिछले कुछ समय से देखिए कि चाहे बीजेपी की इन सर्विस में बढ़त बनी हुई लेकिन वो गैप बहुत कम होता जा रहा है अपेक्षाकृत जो पिछले दो तीन साल का एक ट्रेंड था कि वो गैप बहुत वाइड होता था मेरे ख्याल से अगर मैंने सही सुना तो आपने मोदी जी पे विश्वास करने वाले और राहुल गांधी जी पे विश्वास करने वाले गारंटीज का सैतालीस और इकतालीस परसेंट रिस्पेक्टिवली आंकड़ा दिया था तो ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि कहां तो वो पचास के ऊपर होते थे और कहा राहुल बीस के नीचे होता था तो एक चीज तो डेफिनेट है कि राहुल गांधी उनके समर्थकों की नजर में शायद बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स की नजर में भी काफी जबरदस्त कैचअप हो रहा है तो वो पप्पू और एक, ए, मतलब उसको कोई संजीदगी से नहीं ले वो सब बातें तो हवा हो गई हैं एक लेवल पे तो ऐसा कम से कम मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से हालांकि कभी कभी अभी भी ऐसा होता है कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो वो अपने ही कैन पुट फुट इन इज माउथ मतलब कुछ अजीब गरीब बात देते हैं लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी पहले के मुताबले लगभग शून्य हो गई है like तो एक परिपक्व और एक पॉलिटिशियन की तरह नजर आता है तो वो जो बात है कि मोदी जी के सामने कोई नहीं है ये बात हो सकती है कि मोदी जी अभी भी सबसे बड़े नंबर वन नेता है लेकिन पहले जैसे अमिताभ बच्चन अस्सी के दशक में एक से दस तक होते थे और फिर ग्यारह पे कोई और वो स्थिति कमोबेश सर्वेज में नजर नहीं आ रही है उसको संजीव जी देखने के दोनों, दोनों नजरिया हो सकते हैं इसको कहने का इसमें आप इस सर्वे को, को कैसे देखते, ने देखते ने, हैं देखिए हमने तो दो ओपिनियन कोल की बात कर सकता हूं जो हमने रखा है लेकिन आप अगर उससे पहले की बात करेंगे आज से तीन चार महीने पहले की अगर आप बात करेंगे तो ज्यादातर लोग मानते ये थे कांग्रेस बहुत मजबूत पोजीशन में एक एक भारतीय अठारह में भी यही हुआ देखिए मैं नहीं मैं कांग्रेस दिखाई दी मैं कोई फैक्ट नहीं कहने जा रहा हूं देखिए मैं संजीव जी जैसे लोग जब कुछ बोलते हैं तो उसमें बहुत कुछ छिपा होता है संजीव जी ने यह कतई नहीं कहा कि राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार संजीव जी ने नाम लिया अमिताभ बच्चन जैसे नरेंद्र मोदी और ये दिखाता है जो कहते हैं ना कि लंबे समय तक जो जिसके सामने कोई टिकता नहीं और ये सच है नरेंद्र मोदी का जो अवरा है वो सिर्फ एक टाइम फ्रेम के लिए नहीं रहा है वो लंबे समय तक चल रहा है और मुझे लगता है यही वजह है कि भले आप कहें कि क्या है और यहां राहुल गांधी बच्चन और... राजेश खन्ना भी पढ़ लिया क्या नहीं, क्या नहीं, नहीं ये राहुल गांधी नरेंद्र मोदी नहीं, दी, नहीं दी, है ये दोनों पार्टियों पर उस राज्य में भरोसा है एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने एक चीज और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि राहुल गांधी पहले से कुछ परिपक्व दिखते हैं एक आदमी को उम्र भी पचपन हो गई है राजनीति में रहते हुए भी कम से कम पंद्रह सोलह साल हो गए एक्टिव राजनीति में और उनको कितना मतलब सर एक दो दशक तो लगी जाएंगे हंड्रेड परसेंट्रीट होने में और दस सेकंड तो थोड़ा और आप, आप, कहा कि राहुल बीजेपी राहुल गांधी को आप राहुल गांधी को बात पूरी होने दीजिए दूसरा ये इस देश मजबूरी है कि राहुल गांधी को एज ए ऑपोजिशन लीडर विंडो में रखना ही है वरना नरेंद्र मोदी जी के अंतर्राष्ट्रीय अप्रूवल रेटिंग छिहत्तर है विच इज सेवेंटी सिक्स पूरी दुनिया में सबसे बेहतर कहां कहीं कंपैरिजन नहीं है लेकिन अब चुनाव है तो दूसरी तो आपकी कोई पार्टी तो सबसे ज्यादा बात करती राहुल गांधी की तो, तो आप तुलना ही, कहने तो ही नहीं, नहीं है तो आपका राहुल गांधी तो पर कह रहा हूं ना जब मजबूरी आपकी है तो मजबूरी हमारी भी अब हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहा है उसकी बात तो करनी पड़ेगी ना थोड़ी बहुत तो लेकिन अगर कहे कि कोई कंपेरिजन है कोई कम्पेरिजन अभय संजीव जी एक बार जरा क्योंकि इतनी बात राहुल गांधी पर हो गई अभय जी बोल रहे हैं बोली प्लीज प्लीज पहले से पहले मैं दो सेकेंड अच्छा अभय जी अभय संजीव जी संजीव तो जी दस सेकंड में कुछ कहना चाह रहे हैं अभय जी एक अबे जी दस मैंने अबे मैं कह रहा हूं कि हर्षवर्धन जी से भी अनुरोध कर रहा हूं और शुभम जी से भी हर्षवर्धन जी मैंने कहा कि जैसे 80 के दशक में अमिताभ बच्चन से एक से दस तक वो थे और फिर आ, कोई वो स्थिति बदल चुकी है वो स्थिति पहले मोदी जी की थी अब कंपटीशन स्पष्ट रूप से दिख रहा है, चे है। अभी भी मोदी जी एज ए नेशनल लीडर की रेटिंग ज्यादा हो राहुल से लेकिन बहुत जबरदस्त कैचअप हुआ है मैंने ये कहा और दूसरी चीज मैंने कहा कुछ परिपक्व नजर आ रहे हैं ये मेरे शब्द नहीं, नहीं। थे मैंने कहा था पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हो गए और एक संजीदा पॉलिटिशियन तरह अच्छा चलिए अभय जी भी तो अभय जी भी छह फाइनल छह बजने वाले इसके बाद मुझे मालवा का क्षेत्र जो है वो सर्वे में क्या बता रहा है बताना है लेकिन अभय दुबे जी देख सबसे पहले खारिज किसने किया नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने उन्होंने देख लिया कि कर्नाटका में अब ये जो छद्म रूप भारतीय जनता पार्टी ने धारण करके रखा था वो एक्सपोज हो गया और राहुल गांधी जी को जो पदयात्रा का प्रतिशत था वो इतना व्यापक मिला कि उनको लिखना पड़ा कि कर्नाटका में ना मोदी जी का मुखड़ा दुखड़ा दोनों नहीं चला आपको स्थानीय नेताओं पर भरोसा करना पड़ेगा और यहां स्थानीय नेताओं का भरोसा टूट गया कमलनाथ जी ने जो काम किए उस पर पूछ रहे थे प्रश्न तो सत्तावीस लाख किसानों का कर्ज हमने माफ कर दिया उसमें मुख्यमंत्री के परिवारों का और कृषि मंत्री जी की पत्नी का भी इन्होंने खुद ने जिक्र दिया विधानसभा मेंसेंट डोमेस्टिक कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी के जिनका बिजली का बिल सौ रुपए के अंदर कमलनाथ जी ने कर दिया था इस बार हमने वादा किया है कि 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हा तो इस बार फिर 90% प्रतिशत उपभोक्ता इस दायरे के अंदर आ जाएंगे अब बात रही इन हम हमने जो किया उसकी तो हमने माफिया मुक्ति अभियान चलाया था हमने सबसे पहले कार्रवाई की फूड एडल्ट्रेशन पे रासूकाय लगाई जानते क्या करते हैं देश के गृह मंत्री ने वहां से उस जो एनएसए की हमने एक्शन लिया था उसमें एग्जाम स्टार्ट कर दी वहां माफी दे दी कि मिलावट करता करने दो लेकिन भाजपा का नेता है हम छोड़ने वाले नहीं है कमलनाथ जी ने फिर कहा है कि पहली से बारहवीं तक जो स्कूली बच्चे हैं उनको जी जी। 500 सौ से पंद्रह सौ रुपए महीना देंगे बेटियों को पंद्रह सौ रुपए महीना देंगे गैस का सिलेंडर पांच सौ रुपए में कर देंगे हमने कहा है किसानों की पांच हॉर्स पॉवर की मोटर हम मुफ्त में देंगे हमने उद्योगों के लिए आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे पंद्रह महीने की सरकार में इंडिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हाँ हब हाँ। मध्य प्रदेश अभी जी छह बज गए मजबूरी में आपको रोकना पड़ेगा माफी चाहता हूं आपने बताया कि हमको भले ही पंद्रह महीने मिले हो लेकिन जो वादा किया था पूरा किया तो जनता उस पूरे हुए वादे को देखेगी और बीस साल से भाजपा की सरकार है उसको बदलेगी ये कांग्रेस पार्टी का दावा है आप देखे अगला जो क्षेत्र है बड़ा क्षेत्र है नजर डाल लीजिए 230 में से, से। यह इंडिया टीवी का सर्वे आपको बता रहा है मतदान से कुछ दिन पहले तक और कल के बाद तो देखिए आचार संहिता ही लग जाएगी तो फिर कोई सर्वे भी नहीं आ पाएगा तो यह फाइनल सर्वे है जो आप मानिए ओपिनियन पोल के हिसाब से फाइनल ओपिनियन पोल है अब जनता जब अपना ठप्पा लगा देगी ईवीएम पर तो उसके बाद तीन दिसंबर को आपको पता चलेगा कि आखिर कौन सी पार्टी जीती कौन सी पार्टी हारी अब मालवा की आइए बात कर लेते हैं मालवा में छियालीस सीटें आती हैं एम में हिंदुत्व का जो मैग्नेट उज्जैन है जहां नरेंद्र मोदी ने बनवाया महाकाल लोक वो मालवा में आता है इसके अलावा जो सबसे बड़ा शहर भोपाल के बाद है इंदौर वो मालवा में आता है मंदसौर और धालवा धार भी मालवा रीजन में पड़ते हैं बीजेपी के महामंत्री कैलाश विजय वर्गीय वो यहाँ के बड़े नेता हैं उनको इस बार इंदौर वन की सीट से चुनाव में उतारा है पार्टी ने कैलाश विजय वर्गीय के बेटे आकाश विजय वर्गीय इंदौर तीन सीट से इस वक्त मौजूदा विधायक हैं उनको टिकट नहीं दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी वो भी वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस मालवा क्षेत्र से ही आते हैं और मालवा क्षेत्र क्या कह रहा है उज्जैन मंदसौर इंदौर धार वाला मालवा छियालीस सीटों वाला मालवा आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है अब भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी यहां पर कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीती थी इस बार भी और बेहतर कर रही है के मुकाबले बीजेपी मालवा में अठाइस सीटें इन सैतालीस में से जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी अट्ठारह सीटें जीत सकती है कांग्रेस पार्टी और इसी के साथ एक सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है जिसमें परिस्थिति बता रही है अठहत्तर पर भारतीय जनता पार्टी और इकहत्तर पर कांग्रेस अभी देखिए जब तक हमने बात इससे पहले महाकौशल की की थी तो कांग्रेस आगे चल रही थी अब जब हमने मालवा की बात कर ली है तो बीजेपी एक बार फिर आगे होगी गैप जो है सात सीटों का दिखाई दे रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है लेकिन क्या यह निर्णायक फासला होगा ये अभी जब आगे का सर्वे आएगा तो आपको पता चलेगा फिलहाल बीजेपी जो है वो अब आगे हो गई कांग्रेस पार्टी से सर्वे में यह दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पर डेढ़ सीटों के सर्वे के बाद

जर्कटिव रूल था उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया वहां पर ग्रोथ रेट इंडस्ट्रियल की माइनस में चली गई बिजली हाफ की बात करते हैं वहां पर बिजली सप्लाई हाफ कर दी उन्होंने जिस प्रकार से अब माफिया की बात कर रहे हैं वहां पे डाकू युक्त कर दिया सिमी युक्त कर दिया नक्सल युक्त कर दिया और गड्ढे युक्त छड़के थी वहां पर और आज मध्य प्रदेश में जहां पर अठारह साल जब हमारी सरकार चली तो क्या क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं जीएसडीपी जो छोड़ के गए थे सत्तर करोड़ की कितने की सत्तर करोड़ आज पता है कितनी है थर्टीन लाख करोड़ कितनी लाख ,00 करोड़ अर्थव्यवस्था बता रहे अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था का का बोल रहा हूं पर कैपिटल इनकम बारह हजार कितना था पर कैपिटल इनकम आज एक लाख चालीस हजार इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट माइनस सिक्स पाइनस पॉइंट सिक्स थी आज चौबीस परसेंट है आपको पता है कि मध्य प्रदेश में केवल साठ हजार किलोमीटर की सड़कें थी कितनी सड़कें थी साठ हजार किलोमीटर आज पांच लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में सिंचाई बताया कितनी थी सात लाख हेक्टर आज कितनी है सैतालीस लाख हेक्टर प्रदेश आज नंबर वन है वीट एक्सपोर्ट में मध्य प्रदेश में तीन करोड़ चौसठ लाख हमने करोड़ हमने आयुष्मान कार्ड दिए मध्य प्रदेश में चौसठ लाख हमने पक्के आवास बनाए मध्य प्रदेश में चवालीस लाख घरों तक हमने पीने का पेयजल पहुंचाया है और आज मध्य प्रदेश में सिमी मुक्त नक्सल मुक्त डाकू मुक्त याद है आपको चंबल जाते थे तो क्या बोलते थे चंबल का डाकू आ जाएगा ट्रेन की खिड़कियां बंद होती थी आज डाकू मुक्त कर दिया और सड़कें जो है गड्ढे मुक्त कर दी है पांच लाख किलोमीटर सड़कें बनाई है इसीलिए बीमारू राज्य जिन्होंने बनाया है वो कम से कम मध्य प्रदेश की बात ना करें इनके पंद्रह महीनों की उपलब्धि गिना रहे थे पंद्रह महीनों की उपलब्धि क्या है बंटाधार सरकार की तो मैंने उपलब्धियां गिनाई अब कमलनाथ की मतलब करप्शन नाथ की उपलब्धि क्या है केवल का घोटाला 280 करोड़ रुपए का घोटाला जिसमें ईडी की जांच चल रही है और इन्होंने पचास हजार रुपए विवाह पर देंगे महिलाओं को कितने महिलाओं को दिया पंद्रह महीने में म, उन्होंने कहा था महिलाओं की कर्ज माफी करेंगे कितने महिलाओं की कर्ज माफी की किसानों की कर्ज माफी अभी बोल कर गए ना सत्ताईस लाख किसान दो दो तीन तीन रुपए की किसानों की कर्ज माफी की है ये किसान की कर्ज माफी है और राजस्थान में भी नहीं किया है बेरोजगारी भत्ता चार रुपए देंगे कितने बेरोजगारों को दिया इसीलिए मुझे लगता है कि कम से कम अभय जी तो खुद मध्य प्रदेश से है वो बैठे रहते तो उनसे बात कर लेता अब मुझे चरणजीत सापरा ये बता दे इनको तो मध्य प्रदेश का इतना नहीं पता होगा परंतु तो ये बता दे कि राजस्थान में इन्होंने वादा किया था किसानों की कर्ज माफी का उन्नीस हजार चार सौ किसानों के जमीन को नीलाम कर दिया गया हिमाचल में वादा किया था पंद्रह प्रति महिला कितनी महिलाओं को मिला हिमाचल में चले वादा किया था दो यूनिट फ्री देंगे वहां पर बाईस पैसे बिजली के बढ़ा दिए हिमाचल में वादा किया था महंगाई कम करेंगे छह डीजल के बढ़ा दिए इसीलिए मैं अच्छा ठीक है साहब पूरा जवाब सापरा भी आपको देंगे जरा कांग्रेस पार्टी से चरण सिंह जी चरणजीत सापरा साहब जोरदार तालिया साहब तालिया काम के लिए बज रही है सौरभ जी देख लीजिए अंदेशा कीजिए तालियों के लिए हम काम बजवाते हैं का, काम के लिए तालियां बजवाते हैं अच्छा चले ठीक है सापरा साहब देखे एमपी का चुनाव तो कांटे का है कांटे की टक्कर प्रदेश के चुनाव में सर्वे में भी नजर आ रही है चरण सिंह सापरा जी देखिए सौरभ जी जिस तेजी से ये बोल रहे थे और ये कह रहे हैं कि मुझे मध्य प्रदेश का पता नहीं मुझे लगता है ये आपके स्टूडियो में है और मैं मध्य प्रदेश में हूँ पिछले 25 दिनों से मैं यही हूँ मध्य प्रदेश में जी आपको थोड़ा दुरुस्त करता हूँ आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हूँ और जितने भी काम आपने जितने भी काम आपने गिनाए है ना उसका वर्णन अगर एक लाइन में कर दू ना तो वो होगा झूठ और जुमलों की दुकान ऊंची दुकान पीके पकवान अच्छा। ये धरातल की बात आपको बता रहा हूँ कि जितनी बातें आप कर रहे हैं ना ये धरातल पर जनता जो है ना वो समझ रही है ये सारी चीजें कि आप किस तरह से झूठ और जुमले बोलते हो इसलिए ऊंची दुकान फीके पकवान और आपके जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो मात्र अभी भाषण और विज्ञापन में रह गई है अब विज्ञापन में आप नजर आते हो लेकिन धरातल के ऊपर जनता परेशान है क्योंकि आपके पचास प्रतिशत की जो कमीशन खोरी थी ना वो जनता की जेब तक भी पहुंची है उसका इंपैक्ट जनता को भी हुआ है जनता जो है आपकी पचास प्रतिशत खोरी, खोरी के साथ जो चोरी हुई है जो सीना जोरी हुई है ये धरातल के मुद्दे हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर महंगाई क्यों नहीं कम हुई आज यहाँ पर बेरोजगारी क्यों नहीं कम हुई क्यों आदिवासियों का यहाँ पर अत्याचार होता है क्यों दलितों पर पेशाब किया जाता है ये तमाम सारे मुद्दे क्यों बनते हैं क्यों महिला पर अत्याचार होता है उज्जैन की वो बच्ची को भूल गए जो बच्ची घूमती रही वहां पर तीन चार घंटे और उसके बाद में आपकी सरकार ने क्या मुआवजा दिया पता है पहले तो झूठ बोला कि ये सतना की नहीं है ये कहीं उत्तर प्रदेश से आई हुई भिखारी है और फिर आपने मुआवजा डेढ़ हजार रुपया दिया है मात्र उस बच्ची को तो ये जो आपके मुंह में महिला का सम्मान और बगल में अपमान ये जो तमाम सारी चीजें हैं ये जनता के धरातल के मुद्दे हैं जो है जोर करती रहे लेकिन जनता इसको मानने नहीं वाली है है अच्छा ठीक सर देखिए अब मालवा की बात की तो साथ -साथ निमाड़ हमेशा आता है निमाड़ की अट्ठाईस सीटें वो भी मैं रख देता हूँ चर्चा हम लोग करेंगे मालवा के बाद निमाड़ निमाड़ में रतलाम देवास खरगोन खंडवा और बैतूल ये इलाके आते हैं ये निमाड़ का हिस्सा है मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि जो मालवा के साथ निमाड़ जीतता है मध्य प्रदेश में उसी का राज तिलक होता है 2018 में कांग्रेस ने यहां पर जबरदस्त बढ़त बनाई थी और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बन गई थी कांग्रेस के लिए अरुण यादव कांतिलाल भूरिया निमाड़ के बड़े नेता हैं शिवराज सिंह चौहान सरकार के वन मंत्री कुमार विजय शाह इसी इलाके से आते हैं तो सीटों सीटों वाला निमार, निमार क्या कह रहा है है वो आपके आपके सामने हम रख देते हैं निमार के सीटों का सर्वे स्क्रीन पर आ चुका कांग्रेस पार्टी यहां पर आगे दिखाई दे रही है पंद्रह सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखती है बारह पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट जो है वो अन्य के खाते में जाती हुई हमें दिखाई दे रही है इसी के साथ एक सीटों का सर्वे आ चुका है और आप देखिएगा बीजेपी और कांग्रेस कहां खड़े चार सीटों के अंतर पर मात्र भारतीय जनता पार्टी नब्बे छियासी पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है यह अभी तक का ओपिनियन पोल निवाड़ की बात करने के बाद आपके सामने है एक सीटों का सर्वे मालवा निमाड़ की बात हर्षवर्धन जी मालवा बीजेपी के साथ भी है निमाड़ कांग्रेस के साथ है देखिए मालवा निमाड़ जैसा कि आपने कहा कि यहाँ अगर जीत हासिल हो गई तो फिर एमपी फतह और पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी का संकट भी बड़ा वो दो एक तरह से कहें मालवा निमाड़ और ग्वालियर चंबल था तो ग्वालियर चंबल तो ज्योतिरादित्य जी लेकर आ गए उसने मुश्किल कर दी लेकिन यहां को लेकर मुझे थोड़ा सा लगता है कि मालवा में भारतीय जनता पार्टी अच्छी बढ़त ले सकती है और निमाड़ में भी उसको बेहतर दिखना चाहिए था निमाड़ में अभी यहां कांग्रेस आगे दिख रही है और अगर ये आगे दिख रही तो इसका मतलब कि जो काम निमाड़ में सीट बंटवारे के तौर पर किया था वो काम नहीं किया है दूसरा निमाड़ क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आदिवासी बहुल इलाका है मध्य प्रदेश में और पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को टारगेट करके बहुत सी योजनाएं शुरू की बहुत से ऐसे ऐलान किए जिसको लेकर वो मानते थे कि हमें वो आसानी हो जाएगी और मध्य प्रदेश में यह वो इलाका है जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पर यह चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो उन्होंने बहुत रीच आउट करने की कोशिश की है आधी आबादी को गांवों तक तो मुझे लग रहा था कि यहां भाजपा शायद थोड़ा बेहतर करेगी लेकिन अगर कमजोर है तो इसका मतलब अभी उसकी मुश्किल बनी हुई है क्षेत्र जरा और समझ लेते हैं भावेश से खिये जैसे कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि इन दोनों क्षेत्रों में आदिवासी वोट एक महत्वपूर्ण स्थान रखते है कांग्रेस का टिकट सिलेक्शन से, देखिए 48 उन्होंने आदिवासी आ, कैंडिडेट को आ, दिया है लेकिन कांग्रेस अदर रीजन में क्यों चुक है जो हम अभी तक जिसने हमने दिखाया है देखिए अब कांग्रेस भले ही ओबीसी रीजन ओबीसी की बात करते ओबीसी लेकिन कांग्रेस का जो आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए उन्होंने अभी तक सिर्फ फिफ्टी नाइन ओबीसी कैंडिडेट को दिए और एटी जनरल कैटेगरी को आप जब ओबीसी की बात करेंगे तो

देखिये पहले पहले एक चीज महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो समझना होगा पूरे ओवरऑल यदि पूरे देश में आप जाएंगे तो अभी भी लगभग 50 परसेंट लोग अपने कास्ट के लोगों को वोट करते हैं लेकिन वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़ा है पूरे देश अच्छा? में लगभग 65 परसेंट लोग ऐसे हैं जो अपने कास्ट के लोगों को वोट करते हैं क्यूँकी बीजेपी यहाँ पे आदिवासी को उतना बड़े तादाद में टिकट नहीं दे पाई इसलिए शायद कांग्रेस यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है अरे एक सवाल मेरे पास है मैं क्योंकि अब शहजाद आपके पास हाँ सुन लीजिए इम्पोर्टेंट रहिए इसका जवाब हम सब बात देखते हैं कैंपेन में जो है प्रचार में दोनों ही पार्टियां बताती हैं कि इनके अंदर झगड़ा है इनके अंदर आग लगी हुई है अभी कांग्रेस में कपड़ा फाड़ने वाली बात आ गई उनके कपड़े फाड़ो कभी यहां कहा जाता है देखिए शिवराज जी को डाउन कर दिया है तोमर जी को ले आए हैं तो प्रहलाद पटेल जी को ले आए हैं तो जनता से हमने पूछा किस पार्टी के अंदर ज्यादा झगड़ा है आपको लगता है सीधा सवाल था जवाब बड़ा सीधा आया जवाब आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं मैं ये जनता का जवाब है मेरा नहीं देखिएगा किस पार्टी के अंदर ज्यादा झगड़ा है पब्लिक को क्या लगता है तिरपन परसेंट लोग मानते हैं बीजेपी के अंदर ज्यादा झगड़ा है सैंतीस परसेंट लोगों ने कांग्रेस पार्टी का नाम यहाँ पर लिया है ये जनता की राय है शहजाद जी देखिए ऐसा है कि हमने तो देखा है कि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक और बाकी रा, सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी के तो कपड़े कहीं फट रहे हैं कपड़े फाड़ रहे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजा मंदवानी का विरोध कहां पे हुआ इंदौर फोर की सीट पे उज्जैन में विरोध हुआ सागर में विरोध हुआ तीकमगढ़ में विरोध हुआ जिन्होंने इन्होंने कैंडिडेट दिया है शिवराज जी के खिलाफ विक्रम मत्साल इसका विरोध हो गया ग्वालियर में केदार कंसाना का इस्तीफा हो गया पी शर्मा बनाम कमलनाथ जी स्टेज पर हो गया और कमलनाथ जी बनाम दिग्विजय सिंह जी तो आपको पता ही है जग जाहिर है कितना बड़ा है ये मुझे पाँच गिनवा दे पाँच काम तो नहीं गिनवा पाए अच्छा दूसरी बात उन्होंने भ्रष्टाचार की कि एक वाक्य केवल दे दीजिए भ्रष्टाचार पर इन्होंने कहा 50 फीसद कमीशन का आरोप लगा वो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप था वो ना लेटर मिला ना लेटर लिखने वाला मिला ना लेटर का एड्रेस मिला परंतु प्रियंका वाड्रा ने यह तस्दीक की है कि हमारी सरकार में कोई करप्शन नहीं है मैं आपको सुनाता हूँ जिस तरह से घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास निकालते हूँ निकाल रही है इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते नहीं याद रहते कागज बताइए आगे अब बताइए कि कांग्रेस के पास लिस्ट ही नहीं है जहां अच्छा। तक झगड़े की बात है किस पार्टी के अंदर ज्यादा झगड़ा लगा हुआ है शेजा जी शेजा जी ठीक आप जनता कह रही है बीजेपी के अंदर ज्यादा झगड़ा ऐसा उनको लगता है आपने इनका गिना दिया अब शिवराज जी का एक बयान था भी जय वीरू है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ऐसा कांग्रेस पार्टी कहती है लेकिन क्या बता रहे हैं दोनों के बारे में फिल्मी अंदाज में फिल्म का नाम लेकर के जरा सुनिएगा ताजा बयान है शिवराज सिंह चौहान का और अब सफाई देनी पड़ रही है कि हम साथ साथ हैं कांग्रेस के नेता तो जय बीरू की जोड़ी बता रहे हैं अब ये जोड़ी जय बीरू की जोड़ी नहीं है एक फिल्म आई थी मेरे अपने जिसमें श्याम और छैनू की जोड़ी थी और दोनों अपने अपने मोहल्ले पे कब्जे के लिए लड़ते थे मित्रों ये बिखरी हुई कांग्रेस कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती देखिए आप लोग यहाँ जो ऑडियंस बैठी है हमारे साथ आप लोग तो बड़े युवा हैं पता नहीं आपने पिक्चर देखी है नहीं देखी नाम सुना है कि नहीं मेरे अपने सत्तर के दशक में आई थी मीना कुमारी का नाम सुना है वो इस फिल्म में थी इनके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा का एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था शाम आए तो कह देना छेनू आया था ठीक है। और दूसरी ओर तो विनोद खन्ना की पहली पिक्चर थी है। बात है विनोद खन्ना जी बीजेपी में आ गए मंत्री भी रहे नेता बन गए अलग बात है इसमें केवल एक वाक्य जोड़ सकते हैं सिन्हा भी मंत्री रहे। सिनावी मंत्री रहे बन गए <laughs> दोनों भाजपा के मंत्री बन गए छापरा साहब एक वाक्य केवल ये अपने अपने इलाके के लिए नहीं अपने अपने परिवार के लिए क्योंकि वहां पर नकुलनाथ है और यहाँ पर जयवर्धन सिंह है कि कौन किसका भविष्य आगे बढ़ाना है इसकी लड़ाई चल रही है और इसलिए फिर संजीव जी के पास सापरा साहब देखिए मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि भाई मैं बाहर बैठा हूँ ये सभी स्टूडियो में है तो जरा मेरे पर भी ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ भी मुझे भी समय दीजिएगा देखिए इन्होंने इन्होंने बहुत सारी बातें गिराई बहुत सारे इन्होंने जहां पर हमारे लोगों की नाराजगी है वो बताने का प्रयास इन्होंने किया इन्होंने राजा मांधवानी का नाम लिया इन्होंने तो पढ़ के बताया ना मैं बिना पढ़े बता रहा हूं आपको कि राजा मांधवानी के सामने एक बाम नाम का व्यक्ति था जिसकी नाराजगी की बात करते हैं वो दूसरे दिन से राजा माधवानी के साथ में प्रचार कर रहा है तो आप ये आधी बातें जो है वो इंडिया टीवी पर या इनके दर्शकों को मत बताइए जहां तक जय वीरू की बात है मैं आपको बताऊं कि जो मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ये इतनी सारी बातें कर रहे शाम और छेनू की बातें कर रहे ये बेचारे खुद हताश व्यक्ति है इनके ऊपर तो इनका नेतृत्व तो ही नहीं विश्वास कर रहा साथ साथ सांसद इन्होंने भेज दिए हैं और चार केंद्रीय मंत्री भेज दिए हैं यानी शिवराज का चेहरा ही गायब कर दिया है तो नरेंद्र मोदी ने ठाना है कि शिवराज को निपटाना है ये दरअसल बात है यहाँ पर धरातल पर जो इनको नहीं पता है शिवराज चौहान जो, जो श्याम और छेनू की बात करते तो मुझे याद आया कि शोले फिल्म के अंदर एक असरानी भी थे इनकी हालत असरानी के जैसी है इनके साथ कोई नहीं है यानी आधे इधर आधे इधर बाकी मेरे पीछे और पीछे कोई है ही नहीं ये 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 ये, ये वस्तु स्थिति है देखिए जब नरेंद्र सिंह तोमर लड़ रहे हैं जब यहाँ पर प्रहलाद जी लड़ रहे हैं कैलाश विजय वर्गीय लड़ रहे हैं खुद तो इन्होंने पांच पांच छह छह मुख्यमंत्री के चेहरे दे दिए तो बेचारे शिवराज का, का काम क्या है जनता क्या बोल रही है पता ये शिवराज नहीं ठगराज है शिवराज का नामकरण हो गया ये पूना वाला को पता होना चाहिए ठगराज नाम हो गया उनका क्योंकि जिसे शिवराज ने ठगा नहीं देखिए अब मैं अभी जवाब देता हूँ संजीव जी के पास जाऊंगा देखिए पहले तो इनको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में हो एक कांग्रेस नहीं अलग अलग कांग्रेस मध्य प्रदेश में पता है दिग्विजय कांग्रेस एक है कमलनाथ कांग्रेस और तीसरी है पारिवारिक कांग्रेस इनसे पूछे एक बार कि ये जो बातें कर रहे हैं अभी आ, राजस्थान से लेकर राजस्थान में इनके मुख्यमंत्री सिटिंग है वहां पर अशोक गहलोत को डिक्लेयर नहीं किया तो क्या उन्होंने अशोक गहलोत का अपमान किया छत्तीसगढ़ में सरकार है वहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को डिक्लेयर नहीं किया वहां पे क्या अपमान किया है हमने एक स्ट्रैटेजी रखी है सारे चुनाव में कि हम सामूहिक नेतृत्व तो तो में लड़ेंगे चाहे हमारी सरकार हो या ना हो परंतु यहां पर जहां दो जगह सरकार है वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और जहां सरकार नहीं है वहां पर कमलनाथ जी को रखा है और मुझे लगता है किस प्रकार से उत्तर देना चाहूंगा सर आप सब आप एक दूसरे में जवाब देंगे संजीव जी की है आज आ जाऊंगा अच्छा चलिए दस सेकंड आप भी लीजिए

वो कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जो है सत्रह सत्रह साल के सीएम उनका नाम क्यों नहीं लेते मोदी जी को आप बीजेपी ये कह रही है जहां आपका चीफ मिनिस्टर है आपने उसको चेहरा नहीं बनाया छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ये इसमें एक तो बड़ा मजा आता है ये सब नारे और जुमले सुनने में और जो जो कॉइन होते हैं स्लोगन जैसे अभी छपड़ा साहब बता रहे थे शिवराज के बारे में ये सब भारतीय चुनावों का एक जो उत्सव है आनंद है उसके अंदर इस तरह कभी कभी थोड़ा बिलो द बेल्ट भी होते हैं लेकिन उनको उसी संदर्भ में लेना चाहिए कि एक कैसे जबान पर चढ़े लोगों के उस तरह के जुमले देखिए इस इस केस में थोड़ा फर्क है मैं शहजाद से डिसएग्री होता हूँ ये सही बात है कि कांग्रेस ज्यादातर चीफ मिनिस्टर्स का कभी भी उसने घोषणा नहीं की है दो में भी नहीं की थी कौन का मुख्यमंत्री का चेहरा है उसकी वजह से कितनी सार फुटअबल भी हुई राजस्थान में उसके बाद जो अभी तक चल रही है अट्ठारह से लेकर तेईस तक चली तो उसके नतीजे होते लेकिन बीजेपी ने क्लियर कट डिक्लेयर किए थे अपने नाम चाहे राजस्थान में वसुंधरा को चाहे शिवराज 2018 में उनका चेहरा थे मुझे ध्यान नहीं घोषणा हुई थी कि नहीं तो कांग्रेस का हमेशा से एक सेट डायलॉग रहा है या सेट स्टैंड रहा है कि भाई विधायक नेता चुनेंगे विधायक दल की बैठक होती है ज्यादातर वो कांग्रेस आला कमान पर छोड़ देते हैं हालांकि उसकी भी उस पर भी काफी हद तक पानी फिरा राजस्थान में पिछले साल सितंबर में उस प्रक्रिया में भी लेकिन फर्क है जैसे छापरा साहब कह रहे हैं कि कम से कम बहुत उन्मुख भाव से नाम लेके प्रशंसा की जाती है चाहे अंदर मन का भाव कुछ भी हो बट जिस तरह से शिवराज को किनारे पे रखा गया है और जिस तरह से रमन सिंह को एन मौके पे लाया गया और वसुंधरा को एडजस्टमेंट अब धीरे धीरे उनका हो रहा है राजस्थान में वो बीजेपी की एक इस लेवल पे की मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है उस पर उनका मोदी जी अपने नाम पे भी नहीं लड़ रहे इस बार वो कह रहे हैं कि कमल के फूल को समझिए क्योंकि खुद डिफेंसिव पे एक दो स्टेट आप आप कह रहे हैं बीजेपी डिफेंसिव पे ज्यादा है चाहे चाहे शिवराज सिंह चौहान हो वसुंधरा हो इसका बहुत जल्दी साथ साथ इसका जल्दी साइड रखने का दिखाई दे रहा है बीस सेकंड हर्षवर्धन जी बीस सेकंड हर्षवर्धन जी दे रहे बीस सेकंड दे रहे मुझे देखिए मैं <laughs> आप खुद ही दे दे दिया दे दिया उनके लिए सुनिए ऐसा तो है पहले तो संजीव जी मुझसे उम्र में अनुभव में दोनों ज्यादा है उनको याद होगा असम के मुख्यमंत्री का तरुण गोगोई का घोषणा करके चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने तो ऐसा नहीं कि वो नहीं करते दूसरी बात यहां पर जहां मुख्यमंत्री है वहां पर तो घोषणा कर दिया और अशोक गहलोत का नहीं किया ये कहते कि मोदी जी गए चार बार गए नाम नहीं लिया नाम नहीं लिया मोदी जी ने मोदी जी ने नाम नहीं लिया शिवराज के काम गिनवाए क्योंकि शिवराज नहीं ये रामराज है इसीलिए काम गिनवाते हैं हम लोग और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप वहां पहुंच गए जब पार्टी पहुंची सुनिए सुनिए ना की। सुनी ना, ना राहुल एक रहुल, एक सेकंड सेकंड अरे प्लीज एक सेकंड राहुल जी तो अशोक गहलोत जी के यहां जा भी नहीं रहे हैं उल्टा इलेक्शन कमीशन के मीटिंग के दौरान उन दोनों के आपसी झगड़े हुए हैं यह रिपोर्ट भी हो चुका है तो बताइए राहुल जी तो अशोक गहलोत को मान भी नहीं रहे बताइए बीजेपी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है किसके गले की फांस बने हुए हैं दोनों पार्टियों के लिए देखिए बड़ा रोचक है कोई भी आला कमान अपने क्षेत्रीय नेता को मन से मान नहीं रहा था चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो 2018 में ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो ने तय कर लिया था कि अब शिवराज चौहान से आगे बढ़ने का समय आ गया है वो तो सरकार गिर गई फिर से आए तो अब या तो ज्योतिरादित्य को बनाते या शिवराज चौहान को यही स्थिति राजस्थान में भी है और छत्तीसगढ़ तो खैर भाजपा का वहां कोई चेहरा अभी भी नहीं लेकिन यहां एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको कह रहे हैं कि पांच सात सांसद मंत्री ले गए वो उनकी ताकत बन गया है और शिवराज सिंह चौहान और सारे नेता आज की तारीख में जिसको हम कहते हैं कि बीजेपी में प्लस कर रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड हाउस थी कमलनाथ दिग्विजय एक दिख रहे थे वो डिवाइडेड ऑर्डर में दिख रहे हैं ये बहुत अच्छा नहीं है कांग्रेस पार्टी के चलिए चूंकि मध्य प्रदेश का हम सर्वे कर रहे हैं तो इस इस चेहरे का हमने भी प्रश्न पूछा था तो ये भी जनता जो है उसका उत्तर देकर के स्पष्ट कर देगी कि सबसे बेहतर सीएम कौन कमलनाथ भी मुख्यमंत्री रहे शिवराज तो वहां लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं इसका जवाब और आपके सामने बघेलखंड हम रखेंगे बघेलखंड मुंदेलखंड हम एक साथ आपको बताएंगे सीटें उसके साथ मध्य प्रदेश का सर्वे फाइनल हो जाएगा पूरी 230 सीटों का कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री किसकी बनेगी सरकार मध्य प्रदेश में आखिरी आंकड़ा एक ब्रेक के बाद स्वागत है आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार आपके सामने रख रहे हैं इंडिया टीवी CNX का मध्य प्रदेश का फाइनल सर्वे अभी तक एक सौ उन्यासी सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है नतीजा आप देख रहे हैं नब्बे पर कांग्रेस पहुंची हुई है कांग्रेस बीजेपी पहुंची है छियासी पर कांग्रेस पार्टी लेकिन अब अंतिम पड़ाव में जो आखिरी क्षेत्र बचा है जो निर्णय करेगा सर्वे क्या बताता है किसकी सरकार बनती दिख रही है वो है बघेलखंड और बुंदेलखंड इन दोनों की मिल मिली जुला जो सीटें हैं वो आपके सामने हम रखेंगे ये मध्य प्रदेश के दो बड़े भौगोलिक इलाके हैं इन दोनों रीजन को आप मिला दीजिए तो लोकसभा की आठ और विधानसभा की इक्यावन सीटें आती हैं तो बड़ा क्षेत्र है बड़ा रीजन है बुंदेलखंड मतलब सागर दमोह टीकमगढ़ और खजुराहो की आ, ये सीटें ये जिले अलग आइडेंटिटी है इनकी। लेकिन यहां पर हम शहडोल सतना रीवा और सीधी के साथ पूरे रीजन के बारे में आपको एक साथ बताएंगे जो दल इक्यावन सीटों वाले इस क्षेत्र को जीतेगा साफ है सरकार वही बनाने जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर और बघेलखंड बुंदेलखंड की इक्यावन सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं अब मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं उनके और आपके सामने ये सीटें आ रही हैं बीजेपी उनतीस सीटें कांग्रेस पार्टी इक्कीस सीटें जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है बघेलखंड और बुंदेलखंड में बीजेपी यहां पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है यहां बेहतर प्रदर्शन बीजेपी करती दिख रही है कांग्रेस पार्टी से आठ सीटों का फासला इस अंतिम इलाके के अंदर दिखाई दे रहा और यह गैप डिसाइसिव निर्णायक गैप साबित हो सकता है हमारा ओपिनियन पोल कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंचा है और इसी के साथ आप देखिए पूरी दो सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भारतीय जनता पार्टी हमारे सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से 2018 में सीटें जो आई थी कांग्रेस पार्टी की ज्यादा सीटें थी इस बार लग रहा है कि सर के बल वह आंकड़ा खड़ा हो गया जहां पर बीजेपी 2018 में थी आज कांग्रेस पार्टी पहुंचती भी दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी हाफ पे मार्ग को क्रॉस करती हुई दिखाई देती है ऐसा हमारा सर्वे इशारा कर रहा है सीटें आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर मैं रख रहा हूं जरा नजर रखिएगा भारतीय जनता पार्टी 119 सीटें जीत सकती है कांग्रेस को मिल सकती है के वोट शेयर में दिखाई देगा छियालीस परसेंट वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी को तैंतालीस परसेंट वोट जो है वो मिल रहा है याद कीजिए 2018 का चुनाव डेसिमल पॉइंट में अंतर था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में हालांकि वहां पर वोट बीजेपी को आंशिक तौर पर ज्यादा मिला था सीटों में पार्टी पिछड़ गई थी लेकिन इस बार एक फासला आपको क्लियर कट गैप जो है वो दिखाई देता है वोट शेयर में भी तीन परसेंट का अंतर आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है और हमारे इन दो ओपिनियन पोल में पंद्रह दिन पहले जो ओपिनियन पोल किया और आज जो ओपिनियन पोल किया है इसमें कितना फासला आया है इससे आपको ट्रेंड पता लगेगा कौन सी पार्टी ऊपर जा रही है कौन सी पार्टी नीचे जा रही है तो आपकी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं एक तुलना आप देखिएगा उन्नीस अक्टूबर का सर्वे जो पहला सर्वे था एमपी का और दूसरा सर्वे आज हमने जो तीन नवंबर को किया बीजेपी 115 से बढ़कर चार सीटें आगे 119 पर पहुंचती दिख रही है कांग्रेस पार्टी 110 पर थी और नीचे जाती हुई 107 पर दिखाई दे रही है अन्य जो है वो पांच से घटकर चार पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं एक बार क्योंकि भावेश का सर्वे है उनकी टीम ने किया जमीन पर उतर करके फिर मैं कहूंगा ये दोनों सर्वे करने से पहले आम चर्चा थी मध्य प्रदेश को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी पीछे है कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है इस नैरेटिव को बीजेपी बदलती हुई दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में आपके सर्वे में भी वही दिख रहा है देखिये दो तीन प्रमुख बात है जो प्रदेश के संबंध में देखिए जो पिछले दो तीन महीने में हुए ये बात फैक्ट है कि कांग्रेस वहां पे अच्छी पोजीशन में थी जून जुलाई के महीने में लेकिन उसके बाद आप देखिए जो आ, इवेंट हुए वहां पे जिस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए देखिए बीजेपी का जो सबसे बड़ा गेम प्लान है मध्य प्रदेश में वो आपको दिखेगा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बीजेपी जिस तरह का उसका कैंपेन है उसी ढंग से उन्होंने अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में किया है लेकिन कांग्रेस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए उनका कैंपेन है पूरे जाति जनगणना के ऊपर लेकिन उनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो ओबीसी को उन्होंने फिफ्टी

घोषणाएं उसमें किया गया था उसको बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं कर पाई थी कांग्रेस जिसका खामियाजा कांग्रेस को उस पंद्रह महीने का एंटीनकेंसी भी दिखना पड़ रहा है जिसके वजह से आप देखेंगे बीजेपी

देखिए इसके पीछे कारण यह है कि पंद्रह महीने का जो एक्सपीरियंस और अनुभव रहा मध्य प्रदेश की जनता का उन्होंने कहा है अब कि नहीं चाहिए धोखा कांग्रेस को कभी नहीं देंगे मौका उनको पता है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब सिमी को वोट देना एक प्रकार से सिमी के हब बनाने के लिए वोट देना कांग्रेस को वोट देना मतलब कि बीमारू राज्य बनाने के लिए वोट देना कांग्रेस को वोट देना मतलब धोखे को वोट देना कांग्रेस को वोट देना मतलब उस व्यक्ति को वोट देना जो कन्या पूजा को नौटंकी कहता है इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता जो है वो बहुत समझदार है और उन्होंने कहा है कि इस बार तो जितने पहली बार दिए थे दो में उससे भी कम देंगे सापरा साहब आपका नजरिया देखिए मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि डबल इंजन की सरकार का ट्रिपल भ्रष्टाचार हुआ पिछले में। और अठारह वर्षो में जैसे मैंने पहले बताया कि इनके कुकरम लूट की सरकार ये तमाम सारी चीजें जो है ये जनता ने खुद वहां पर देखी है अब ये कितने ही पैतरे वापर ले ये उसका धुवीकरण करने का प्रयास करे या कोई और मुद्दों की काम की बात ये करते नहीं है भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो ये बात नहीं कर रहा कि महंगाई किस तरह से कम होगी ये बात नहीं कर रहा कि बेरोजगारी किस तरह से कम होगी ये इधर उधर की बातें करते हैं ध्रुवीकरण करने की बातें करते हैं ये इनका जो मापदंड है ना इनके दोहरे मापदंड और इनका पखड़ ये जनता ने देखा है ये कर्नाटक के अंदर मध्य प्रदेश, 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 प्रदेश का बेरोजगारी दर और राजस्थान का बेरोजगारी दर और मध्य प्रदेश का बता यहाँ भी वो नहीं कर रहे अब बीच में क्यों बोल रहे हैं नहीं नहीं बीच में आप आरोप बात ठीक है प्लीज कंप्लीट कर ये ये स्टूडियो में खड़े रहने का ये आपको एडवाइज बोलिए आपकी बारी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि धरातल के जो मुद्दे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है कर्नाटक में भी यही हो रहा था बजरंग मोदी गारंटी भी भी यहाँ तो आप जो नतीजे है, 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 है पर बीजेपी पर तो पीछे, पीछे आगे सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं हमें समझ में ऐसा लगता है आप सहमत होंगे मुझे मालूम है एक चीज पर मैं आपका राय आपकी राय चाहता हूँ कि जो चंबल का इलाका था ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आप जिन्होंने 18 में आपकी सरकार गिराई और इनकी बनाई इस बार सर्वे में ये ऐसा लग रहा है कि वही चंबल जो है वो महत्वपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है डिसाइडर बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि बीजेपी बहुत पिछड़ी थी वहां पर अब थोड़ा बेहतर करती दिखाई देती है सिंधिया का फैक्टर उसमें महत्वपूर्ण है नहीं मुझे नहीं लगता देखिए 2018 में जो कुछ हुआ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चोरी की सरकार बनाई जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खो का आदान प्रदान करके सरकार बनाई है तो धरातल पर लोगों ने देखा यही कर्नाटक में हुआ था लोगों ने इनका साथ दिया कि नहीं दिया ये आ, आप सबके सामने है तो यहां पर भी यही होगा जनता इनका साथ नहीं देगी क्योंकि जनता को पता है कि ये चोरी से सरकार बनी है और अब चोरी चोरी से सरकार वापस नहीं बनेगी चले सर ठीक है सर अब वो हम तीन दिसंबर को डिसाइड करेंगे हर्षवर्धन जी और संजीव जी का की राय मैं ले लू संजीव जी की पहले देखिए चंबल नहीं बनाई थी पिछली बार कांग्रेस की सरकार जब पहले कमलनाथ मुख्यमंत्री बने फिर दिग्विजय माफ कीजिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए तो बीजेपी की सरकार बनी और इस बार भी लग रहा है चंबल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संजीव जी देखिए मतलब चंबल और उसके साथ साथ पूरे एमपी की मैं लगातार यह मानता रहा हूं कि जो एक पब्लिक सेंटिमेंट है वो शिवराज सरकार या बीजेपी के खिलाफ है लेकिन उसके साथ साथ मैंने लगातार ये भी कहा है कि ऑर्गेनाइजेशनली बीजेपी बहुत स्ट्रांग है मध्य प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस उनकी तो ये पूरा चुनाव अब अगर हम इस सर्वे को सही मानते हैं और चूंकि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इसको सही मान के डिस्कस करना चाहिए तो ये पूरा चुनाव लास्ट माइल कन्वर्जन पर डिपेंड ज्यादा कर रहा है तो एक जो माहौल था उसको काफी हद तक बीजेपी ने शायद मैनेज किया अपने आ, प्रमुख चेहरे उतार के मैदान में मेरे ख्याल से ज्योतिरादित्य का आप जितनी बात करें उतनी नरेंद्र सिंह तोमर भी रेलिवेंट है और क्या नरेंद्र सिंह तोमर भी एक संभावित चेहरा हो सकते हैं अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के उस पर भी काफी चर्चा है सो कुल मिला के बीजेपी ने वो जो फर्स्ट लिस्ट में सरप्राइज दिया था काफी सारे अपने एम पी और मिनिस्टर्स uh, को उतार के वो कहीं शायद जैसे भावेश ने कहा कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उनकी एक स्ट्रेंथ रहा और वो बड़े चेहरे अपनी सीट के साथ साथ आसपास के एरिया का भी माहौल चेंज करने में शायद आ, सफल हो रहे अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे तो वो एक बड़ा कारण है सिर्फ चंबल के अंदर मेरे गले अभी भी वो बात नहीं उतर रही है क्योंकि बाय लार्ज हमने देखा है कि भारतीय मतदाता डिफेक्टर्स को पनिश करता है रिवॉर्ड नहीं करता तो अगर वैसा हो उसका रिवर्स हो रहा है तो उस पर टिप्पणी में तीन दिसंबर को ही बेहतर कर पाऊंगा चंबल ओवरऑल जो है वो बीजेपी के लिए इस बार कुछ बेहतर हो रहा है ये हम कह सकते हैं और जो बीजेपी की कमजोरी बताई जा रही थी कि सांसदों को मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है सेंटर के ऐसा लग रहा है कि वो पैंतरा जो है बीजेपी के लिए काम कर रहा है अभी तक हर्षवर्धन जी सौरभ जी मुझे लगता है कि 2018 की बात करेंगे तो तेईस समझ में दो वक्त दो हजार अठारह में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी करीब एक प्रतिशत के आसपास थोड़ा सा कम उससे मत ज्यादा रहा लेकिन सीटें कम हो गई नौ सीटें कम हो गई थी भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया शिवराज सिंह चौहान उनका सबसे बड़ा चेहरा है लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये आ रहा है कि यार एक ही चेहरा दो दशक हो गए कब तक ये रहेंगे कुछ उस तरह की स्थिति थी और उस वक्त तो मंदसौर में किसानों पर गोलियां चल गई थी सपाक्स ने बड़ा कुछ किया था सवर्ण बड़े नाराज थे भाजपा ने इन चार जो सरकार चली उसके साथ साथ जो संगठन के लेवल पर था उसने बहुत अच्छी तैयारी की जो सरप्राइज एलिमेंट होता है जो बड़े बड़े नेता उन जगहों पर उतार दिए जहां शायद ये नेता नहीं होते तो आज ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम उलट होते कांग्रेस पार्टी के लिए क्या था वो बहुत हाई सेंटीमेंट थी उसको लगा और जो संजीव जी ने कहा जो आमतौर पर इंडियन पॉलिटिक्स में प्रैक्टिस होता है लेकिन संजीव जी वो तो 2019 में ही उलट हो गया जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए बहुतायत चुनाव जीत गए भाजपा के उस पर यानी वो फॉर्मूला गलत हो गया और अब मुझे लगता है जो ये सर्वे बता रहा है अभी मेरा यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी अब सौ के नीचे जा रही है क्योंकि अब वो अपना ग्राउंड लूज कर रही है जिसको कहते हैं ना कि जब आप मोमेंटम एक बार क्रिएट कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी ने वो मोमेंटम टाइमली क्रिएट किया और कांग्रेस ने वहीं से वो मोमेंटम जिसको कहते हैं कि लूज कर तो जो, 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 जो सर्वे कह रहा है आपको सौ के नीचे जो सर्वे कह रहा है आपकी आपकी ओपिनियन भी उसी के साथ लगभग लगभग ट्रेंड उसी वही ट्रेंड पकड़ चले ठीक है एक सवाल चूंकि चेहरों की बात है और हम ये बार बार ये कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा जो है उसको बचाने के लिए एंटी नुकसान ना हो इसीलिए उसको शायद इस बार प्रमोट नहीं किया बीजेपी ने ऐसे कमलनाथ के लिए कहा गया कि बीजेपी की तरफ से कि उनकी पंद्रह महीने की सरकार का जिक्र बहुत नहीं किया जाता है तो हमने जनता से पूछा बेहतर मुख्यमंत्री कौन किसे मानते हैं आप बेटर सीएम आपके सामने जवाब आ रहा है देखिए तिरतालीस परसेंट लोगों ने शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया कि ये बेहतर मुख्यमंत्री हैं और चालीस परसेंट ने कमलनाथ का नाम लिया है 11 परसेंट लोग जो हैं वो उनका मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं दिग्विजय सिंह के लिए एक परसेंट लोगों ने का आ, आ, नाम दिया तो इससे ही साफ है कि कॉन्टेस्ट जो है देखिए वो शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच में जिसमें बाजी मारते हुए शिवराज सिंह चौहान दिखाई देते हैं अब अगर बीजेपी जीतती है तो क्या चेहरा जो है वो शिवराज जी होंगे ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है और इस पर आगे बात होती रहेगी हमारे बहुत प्रश्न हुए कुछ प्रश्न यहाँ पर हमारे साथ मौजूद युवा ऑडियंस के हैं उनके बीच में ले जा रहा हूँ आपको जी कौन और सवाल पूछेंगे ये देखिए एक युवा लड़की सवाल सवाल पूछ रही है से आपका सर था कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सी एम उनकी जेल जाने की खबर आई है तो क्या इस बात का असर मध्य प्रदेश के चुनाव में भी होगा पहली बात तो ये कि अरविंद जी जेल नहीं गए तो ये खबर जो आई है ये खबर ठीक नहीं है अरविंद जी का समन था लेकिन शायद अरविंद जी जिस तरह से कह रहे हैं उनकी पार्टी भी कह रही है और भाजपा भी कह रही है मुझे लगता है कि यह सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पंजाब में अभी असर कर सकता है पंजाब में ना तो चुनाव है ना दिल्ली में चुनाव है इन राज्यों में जहां अरविंद जी कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं और बड़ा असर पड़ेगा वहां पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं है कहीं इतनी भी स्थिति नहीं है कि वो खेल बिगाड़ सके और अगर कुछ थोड़ा बहुत होगा तो भले कुछ वोट पा जाए अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कोई फैक्टर नहीं है नहीं कोई फैक्टर पूछिए जी सर मेरा नाम आदर्श प्रताप सिंह है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की वाद विवाद समिति आरोह से हूँ सर मेरा सवाल जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है सर जो करप्शन है वो ना कि मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जो किसी की भी सरकार बने चाहे कांग्रेस या बीजेपी की तो दोनों पार्टी बिना हवाई बातें करते हुए जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो बताए कि क्या होगा कि आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा हवाई बातें तो सर कांग्रेस या बीजेपी करती है लेकिन यहाँ पर आप हवाई बातें ना करें जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है वो बताए भ्रष्टाचार छोटा छोटा जवाब दीजिएगा छोटा छोटा मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ इससे पहले हमारे देश में प्रधानमंत्री थे बोलते थे एक रुपया भेजता हूं पिछासी पैसे खा जाते हैं बिचौलिए हमने डीबीटी और जैम ट्रिनिटी के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बनाई कि आज जो जो लाभार्थी है उसके अकाउंट में सीधा पैसा जाता है पच्चीस लाख करोड़ मोदी जी ने प्रधानमंत्री होने के नाते भेजे गरीबों को पच्चीस लाख करोड़ पहुंचे और ढाई लाख करोड़ इस देश का बचा तो वो जैम ट्रिनिटी और डीबीटी की वजह से बचा मतलब अगर कांग्रेस की सरकार होती अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बीस लाख करोड़ करप्शन में चले जाते देखिए भ्रष्टाचार पर क्या किया बता रहे हैं बीजेपी वाले कांग्रेस से आप भी बता दे। देखिये भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में चार लाख करोड़ से ज्यादा यहाँ पर इन्होंने कर्ज लिया है और पचास प्रतिशत कमीशन खोरी उसमें है कांग्रेस की सरकार आते ही हम ये पचास प्रतिशत खोरी को बंद करेंगे ऑटोमेटिकली दो लाख दो लाख करोड़ पंद्रह महीने क्या किया आपने? और ये जो जो स्कीम अनाउंस करी है वो सारी स्कीम को हम उस पैसे से इम्प्लीमेंट करेंगे पंद्रह महीने में क्या हुआ ये जनता को मालूम है आगे करेंगे साढ़े ग्यारह साढ़े ग्यारह हाँ तो जीतेंगे तब ना करेंगे पंद्रह महीने सरकार महिने, थी तब क्या ग्यारह पंद्रह महीने सरकार थी व्यापक तो आप पुराना गाना गा रहे हो ग्यारह महीने में हमने किया अच्छा काम में एक भाजपा के, के नेता का, का नाम ना बताओ जिसको जेल हमने में हमने भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास किया चरण जी आप अच्छे अच्छे व्यक्ति है एम पी आरोप उठल इनकी जो झूठ की दुकान है इसको बंद लगना चाहिए ताला अच्छा चले सर अभी मध्य प्रदेश का सर्वे तो मैंने आपके सामने रख दिया सर्वे कहता है आगे भाजपा सरकार सकती है भाजपा की और यह हुआ तो बड़ी उपलब्धि होगी लगभग दो दशक से वहां पर भाजपा की सरकार है